बहुभ्रूणता के बारे में। तो जो बहुभ्रूणता है, इसकी खोज सबसे पहले सन 1917 में एंटोनी ल्यूबकहॉक ने की थी एक संतरे में। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी ल्यूबकहॉक ने सन 1917 में संतरे में की थी। फिर यहाँ पर बात आती है कि जो बहुभ्रूणता है वो क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि अक्सर कर सामान्यतः एक बीज से एक ही पौधा बनता है या एक बीज में एक ही भ्रूण मिलता है, पर कभी कभी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण मिलते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने की घटना आपकी क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इसे बोल सकते हैं हम, सामान्यतः एक बीज में से एक ही भ्रूण मिलता है, बीज में एक से अधिक भ्रूण मिलने की घटना बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, अब एक कारण आता है कि बहुभ्रूणता का कारण क्या है। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि युग्मनज के 202 से अधिक बार विभाजन से अलग अलग भ्रूण बनते हैं। तो जो युग्मनज होता है, अगर उसका विभाजन हो जाता है तो फिर उससे अलग अलग भ्रूण भी बनते हैं। तो युग्मनज के विभाजन से अलग अलग भ्रूण बनते हैं, पहला कारण ये है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक में निषेचन के फलस्वरूप एक भ्रूण बन जाता है, कि बीजांड जो है उसमें एक से अधिक भ्रूण कोष होंगे। अगर भ्रूण कोष एक से ज़्यादा हैं तो फिर क्या होता है कि फिर उनमें भी अलग अलग भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी बहुभ्रूण आपके बहुभ्रूण बन जाते हैं और यही घटना बहुभ्रूणता की घटना कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कारण हो गए इसके। एक दो कारण और भी हैं इसके जो आने चाहिए, पर पेपर में आप सिर्फ दो लिख के ही काम चला सकते हैं, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की। बात आती है इसके उपयोग की, अगर आप जानना चाहें तो इसका सीधा सीधा उपयोग है आपकी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, सीधी बात है। ठीक है, तो इसका उपयोग सीधी सीधी बात है पादपों को आगे बढ़ाने के लिए, पादपों की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक मिलते हैं तो इससे फायदे की बात है, इसका इस्तेमाल जो है हमारे लिए लाभकारी है। तो यहाँ पर क्या है, ये थी बहुभ्रूणता। इसके बाद में जानेंगे हम आगे टॉपिक्स।